वलसाड शहर में दीपड़ो देखाता लोगों में भय। छेल्ला 5 दिवस से अलग अलग विस्तार में दीपड़ो देखायो। थोड़ा दिवस पहला लीलापोर गामे दीपड़ो देखायो हतो। गईकाले वलसाडनी अतुल कॉलोनी में दीपड़ो फरतो देखायो। वन विभागे दीपड़ा ने झड़पवा पांजरो मुकवा तजवीज हाथ धरी छे। वलसाड शहर ने अड़ीने आवेल गाम में छेल्ला 5 दिवस थी अलग अलग विस्तार में दीपड़ो देखाता लोगों में भयनो माहौल। थोड़ा दिवस पहला रात्रे वलसाड नजीक लीलापुर गामे दीपड़ो देखायो हतो। जावेद अमारी साथे जोड़ाई गया। जावेद, छेल्ला 5 दिवस थी दीपड़ो देखाई रह्यो छे अलग अलग विस्तार में, त्यारे वन विभाग द्वारा शुं कार्यवाही? जी, ज्यांथी कॉल आवी रह्या छे त्यां वन विभाग द्वारा तपासणी करी तपास करी आजूबाजूना सीसीटीवी चेक करीने त्यां पांजरो मुकवामां आवे छे। छेल्ला 5 दिवसमां वलसाड शहेरना आजूबाजूना आवेला लीलापुर अने अतुल गाममां 2 वखत दीपड़ो देखाता वन विभागे जे छे लीलापुर सहित आजूबाजूना गामोमां जे छे एक पांजरो गोठव्यु छे। त्यारे बीजी तरफ गईकाले वलसाडना अतुल कॉलोनीनी अंदर दीपड़ो देखायो हतो, जेना सीसीटीवी सामे आव्या छे, जेने लईने वन विभाग फरी दोड़तुं थयुं छे अने त्यां पण पांजरो मूकवानी जे छे तजवीज हाथ धरी छे। आ रात्रि समये जे अवर जवर करता नौकरियात वर्ग तेमज स्थानिकोमां जे छे ભયનો માહોલ પેદા થયો છે, કારણ કે 1 મહિના પહેલા જ વલસાડના 2 ગામોની અંદર જે છે દીપડાએ જીવલેણ હુમલો કર્યો હતો લોકો ઉપર, અને ત્યારબાદ એ દીપડો પાંજરે પુરાયો હતો, એટલે જેને લઈને આ તાલુકાઓમાં જે ગામડામાં દીપડાની દહેશત વર્તાઈ રહી છે, જેના કારણે લોકોમાં ભયનો માહોલ છે। બિલકુલ, આભાર તમામ વિગતો માટે।